नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। राज्यपाल ने आत्महत्या की रोकथाम व जागरूकता विषय पर आयोजित वेबिनार में शिरकत की। पल पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। हरियाणा के राज्यपाल बराड़ू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को यहां राजभवन में आत्महत्या की रोकथाम व जागरूकता विषय पर आयोजित वेबिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपदा इंडा इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक इडा सैम्यूल रेड्डी की प्रशंसा की और कहा कि मात्र 19 महीनों में संस्था के माध्यम से 100 लोगों की जान बचाई जा सकी। डॉक्टर सैम्यूल रेड्डी ने, जिनकी MBA स्नातक बेटी ने आत्महत्या कर ली थी, इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर रेड्डी ने संपदा इडा इंटरनेशनल फाउंडेशन का गठन कर आत्महत्या रोकथाम व जागरूकता अभियान चलाया। राज्यपाल ने कहा कि बढ़ते भौतिकवाद और घरेलू झगड़ों को दहेज की समस्या, आर्थिक समस्या व स्वास्थ्य कारणों के कारण व नशे में प्रसरण से समाज में आत्महत्या जैसी विकराल समस्या फैलती जा रही है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आत्महत्या जैसी जैविक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों से बढ़ी है। उन्होंने चिंता जताई कि चीन और भारत में आत्महत्या के मामले पूरे दुनिया के मामलों में 50% है। भारत में 1,00,000 लोगों के पीछे 10.5 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये चिंताजनक के साथ साथ चिंतनीय विषय भी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्व भर में मृत्यु का 10वां बड़ा कारण आत्महत्या है। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि संतुलित जीवन बनाने के लिए योगा, शारीरिक व्यायाम, सामाजिक संवाद से परिवारों का हौसला बढ़ाने जैसे कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए, जिससे समाज से आत्महत्या के कारणों को कम किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि विशेषकर युवाओं, स्कूली बच्चों के लिए विंटर एक्टिविटीज कार्यक्रम तथा खेल कार्यक्रम तथा जागरूकता अभियान चला करके बच्चों के मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल ने ये भी कहा कि देश में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे अनेक प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक मानसिक मनोबल से जुड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार द्वारा आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए हेल्पलाइन की सुविधा भी शुरू की गई है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति भी देश में शुरू की गई है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा नशे से प्रभावित लोगों के लिए देश में विभिन्न शहरों में पुनर्वास व परामर्श केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि हम सरकारी व गैर सरकारी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर नशा मुक्ति के साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी चलाएं, जिससे समाज में आत्महत्या के कारणों का पता लगा करके इन घटनाओं पर काबू पाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि लोग पवित्र पुस्तकों के साथ साथ अच्छा साहित्य भी पढ़ें, जिससे मनुष्य के मन में सकारात्मकता बढ़ती है। और उन्होंने पवित्र पुस्तकों जैसे श्रीमद् भगवद् गीता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गीता पढ़ने से मनुष्य के जीवन में कला में पारंगत हो जाता है, यानी जीवन जीने का एक सही ढंग उसे पता लगता है। पल पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट।